नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे का केस लगातार और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, जहां एक ओर इस केस में लगातार आकांक्षा का परिवार इस मामले में पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठा रहा है, पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस इस केस को लेकर लगातार यही दावा कर रही है कि पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए हर एक प्रयास कर रही है, हर एक संभव प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार फिर भी क्यों आकांक्षा का परिवार पुलिस पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है? आखिरकार वो कौन सा डर है जो परिवार को इस केस को सीबीआई को हैंडओवर करने की मांग लगातार करने के लिए मजबूर कर रहा है? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। महज 18 दिन की जांच में आखिरकार पुलिस क्यों फेल होती हुई नजर आ रही है, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। और वहीं दूसरी ओर 5 दिन से आरोपी समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन फिर भी आखिरकार समर सिंह का कन्फेशन अभी तक पुलिस क्यों नहीं उठा पाई, क्यों नहीं निकलवा पाई? ये 3 सवाल जिनकी वजह से आकांक्षा दुबे केस में पुलिस अब फंसती हुई नजर आ रही है। और आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आकांक्षा दुबे केस में कमी रह कहां रही है और किस वजह से ये मामला कहीं ना कहीं अब वाराणसी पुलिस के हाथों से फिसलकर सीबीआई की झोली में गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 26 मार्च को भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने अपनी जान दे दी थी। वो वाराणसी में एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी, जिसके बाद 25 मार्च की रात आकांक्षा दुबे एक मॉलिक्यूल नाम के बार में पार्टी करने जाती है और वहां से देर रात लौटती है वो अपने होटल में। वाराणसी के सुमेंद्र होटल में आकांक्षा दुबे रुकी हुई थी। आकांक्षा को होटल छोड़ने के लिए एक शख्स सामने आया था, साथ आया था। जांच के बाद इस शख्स का नाम संदीप सिंह बताया गया। 17 मिनट तक ये शख्स आकांक्षा के कमरे में रुकता है, इस बात का खुलासा होटल के सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। हालांकि शुरुआती जांच के दौरान पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया था कि आकांक्षा जब होटल में आई तो वो अपने सुध में नहीं थी, वो नशे की हालत में थी। साथ ही होटल के स्टाफ ने भी यही बयान दिया था। लेकिन आकांक्षा के निधन के 3 दिन बाद ही सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाता है होटल का, जिसके बाद पुलिस और होटल स्टाफ पर आकांक्षा के परिवार ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अब उन सवालों के बाद पुलिस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ गया, जिसकी वजह से पुलिस ने संदीप सिंह को धर दबोचा। संदीप सिंह से पूछताछ हुई और महज नॉर्मल पूछताछ के बाद पुलिस ने संदीप सिंह को जाने दिया। परिवार की लगातार मांग पर समर सिंह की तलाश पुलिस करती रही। परिवार की तरफ से इस केस में समर सिंह पर आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि आकांक्षा और समर सिंह एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इस बात का दावा परिवार की तरफ से किया गया। समर सिंह की अगर बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम समर सिंह है। वहीं दूसरी ओर समर सिंह और आकांक्षा एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इस बात का कंफर्मेशन एक्ट्रेस ने 14 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कंफर्म किया, जिसके बाद से ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आपको बता दें कि शुरुआती जांच के वक्त से ही देखने को मिला कि परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं था। शुरुआत से ही आकांक्षा की मां मधु दुबे इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग करती रही, जिसे लेकर आकांक्षा के परिवार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। अब इस मांग पत्र में आकांक्षा की तरफ से इस केस को लड़ रहे वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि आकांक्षा का निधन दम घुटने की वजह से हुआ था। इसके अलावा पुलिस ने ये जानकारी दी कि आकांक्षा के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया और ना ही आकांक्षा के साथ किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती हुई है। हालांकि जब उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आकांक्षा के परिवार और उनके लॉयर ने सीनियर्स को दिखाया, जो यहां पर अगर बात करें एक्सपर्ट्स को दिखाया, तो उन्होंने ये बताया कि आकांक्षा के कान के पीछे और साथ ही गले के पास चोट के निशान हैं, साथ ही आकांक्षा की कलाइयों में भी चोट के निशानों का दावा इस सलाहकार की तरफ से किया गया, इस एक्सपर्ट की तरफ से किया गया।
साथ ही ये भी बताया गया कि आकांक्षा के पेट में एक भूरे रंग का पदार्थ था। ये तमाम सवाल परिवार की तरफ से जब पुलिस से पूछे गए तो पुलिस इस मामले में खामोश नजर आई। हालांकि परिवार के प्रेशर बनाने पर और सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश देने के बाद समर सिंह को बीते 6 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। 6 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद इस मामले में समर सिंह को कोर्ट में पेश भी कर दिया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट की तरफ से दी गई, जिसे लेकर आज सुनवाई भी हुई। हालांकि कोर्ट का फैसला अगर यहां पर करें तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि परिवार सवाल क्यों उठा रहा है। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 5 दिन से पुलिस रिमांड में समर सिंह है, लेकिन अभी तक पुलिस समर सिंह का कन्फेशन तक नहीं निकलवा पाई। 5 दिन से पुलिस रिमांड में रह रहा समर सिंह अभी तक अपने आप को बेगुनाह ही बताता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से परिवार का गुस्सा फूटना लाजमी हो जाता है। साथ ही यहां पर आपको बता दें कि संजय सिंह, जिस पर शुरुआत से ही परिवार ने आरोप लगाए हैं, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक संजय सिंह की कोई तलाश संजय सिंह को लेकर कोई भी खबर, कोई भी एविडेंस पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। हालांकि सोशल मीडिया पर जो जानकारी संजय सिंह को लेकर है, उसके मुताबिक न केवल संजय सिंह समर सिंह का दोस्त है, बल्कि वो उसका प्रोफेशनल काम भी देखता है। संजय सिंह का लखनऊ में एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें वो समर सिंह के कई लेन देन ट्रांजेक्शन्स को भी देखता है और उसी प्रोडक्शन में समर सिंह ने काम भी किया। ऐसे में हो सकता है कि संजय सिंह आकांक्षा को काफी बेहतर तरीके से जानता था, इसीलिए इस केस में संजय सिंह को भी मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है और अभी तक संजय सिंह का भी कोई अता पता नहीं लग पाया। वहीं परिवार को ये भी डर है कि शायद संजय सिंह या समर सिंह इस केस में सबूतों को उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात कही गई है आकांक्षा के परिवार की ओर से। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में समर सिंह के साथ पुलिस मिली हुई है। 2 करोड़ रुपए लेकर समर सिंह को बचाने की बात आकांक्षा की मां मधु दुबे की तरफ से कई बार कही जा चुकी है। और अगर बात करें आज की, तो आज भी इस मामले में सीधे सीधे ये दावा किया गया है कि आकांक्षा का परिवार लगातार यही कह रहा है कि पुलिस इस मामले में समर सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस अभी भी इस मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार 5 दिन से पुलिस की रिमांड में समर सिंह है, फिर भी समर सिंह का कन्फेशन क्यों नहीं मिला है। साथ ही समर सिंह से पुलिस ये भी नहीं उगलवा पाई कि आखिरकार संजय सिंह कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि ये मानना परिवार के लिए असंभव है कि समर सिंह नहीं जानता कि आखिरकार संजय सिंह कहाँ छुपा हुआ है। अब यही तमाम सवाल है जो लगातार पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आज भी आकांक्षा की मां मधु दुबे ने सीधे सीधे ये मामला सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए सीएम योगी से एक बार फिर से गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि लगातार लग रहे एलिगेशंस के बाद क्या अब पुलिस इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं, या फिर ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इन तमाम सवालों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।